दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो देखिए ये मैंने अस्तर लिया है और ये हमारा डिजाइनर ब्लाउज है जो कि ये फ्लावर प्रिंट है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट हम अस्तर पे करेंगे और उसी ड्राफ्ट को रख के ब्लाउज पे। तो देखिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और जैसे कि इसकी ओपनिंग फ्रंट में है तो सबसे पहले बैक पार्ट कट करेंगे। अभी ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। तो तैयार में ब्लाउज 14 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो देखिए 15 इंच में कट करना है, तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 15 इंच में। और अभी देखिए शोल्डर ले रहे हैं, शोल्डर 7 इंच है क्योंकि ये बोट नेक में आएगा, तो यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं। अभी देखिए मुड्डे लेंगे, मुड्डे 7 इंच। देखिए ब्लाउज का साइज़ है हमारे का 32, तैयार में ये 8 इंच आएगा, तो पहले 8 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आप कोई भी साइज़ का बनाते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। और अभी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा 2 इंच ये सिलाई मार्जिन है और वहाँ तक तैयार है। अभी लेते हैं मुड्डे की गुलाई, गुलाई कोने से 1.5 इंच ले लें और अब इसकी शेप दे देते हैं। तो देखिए अभी बोट नेक लेते हैं, तो शोल्डर से 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और देखिए जो इसकी गहराई लेनी है नेक की वो 3.5 इंच लेनी है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और एक इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। अभी इसमें गुलाई करते हैं, तो देखिए कोने से 1.5 इंच तक मार्किंग कर लेंगे और अभी इसकी शेप दे देंगे। देखिए ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी हम सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से अभी आगे का पार्ट निकालते हैं। तो सेम शोल्डर लेंगे 7 इंच, मुड्डे 7 इंच और देखिए 10 इंच हम साइज ले रहे हैं क्योंकि 2 इंच हमने इसी में मार्जिन ले लिया है, तैयार में 8 इंच आएगा। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे इसका अपना कप साइज का मेजरमेंट। तो देखिए जो हमारा कप साइज है वो 12 इंच है, देखिए 12 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे क्योंकि बेल्ट अटैच करेंगे इसके लिए और शोल्डर पर स्टिचिंग होगा उसके लिए। तो ये 13 इंच लेते हैं और 13 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा कप साइज का मार्किंग है। अभी हम यहाँ पे नेक ले लेते हैं शोल्डर से 4 इंच। इसके बाद इसको आप फ्रंट में डीप भी रख सकते हैं, जैसे मैं ये 6 इंच ले रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो बोट नेक ही रख सकते हैं जितना हमने बैक में लिया सेम। और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं और इसकी गुलाई भी 1.5 इंच, देखिए यहाँ पे हम गुलाई कर देते हैं। मुड्डे की गुलाई तो बैक में हमने 1.5 इंच दिया, फ्रंट में 1 इंच ले रहे हैं क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है तो साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ से सेम इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। तो देखिए जो हम यहाँ पर गुलाई देने वाले हैं तो यहाँ पर मार्किंग डालें जिधर हमारे हुक आने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 इंच अब ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर लें और यहाँ से अभी प्लेट का मार्किंग दे दें। तो देखिए 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। अब जो ये प्लेट आएगी ये 2.5 इंच की आएगी, तो इसमें से 2.5 इंच की प्लेट का मार्किंग कर दिया और इसके बीचों बीच एक मार्किंग और कर देते हैं जो हमारी लंबाई में रहेगी प्लेट की। तो देखिए जो प्लेट आएगी लंबाई वो 3 इंच की रहेगी, तो यहाँ पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं सेंटर में और जो ये प्लेट का मार्किंग है यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं। अगर आप कप साइज कम रखना चाहते हैं तो 2 इंच का प्लेट भी डाल सकते हैं। अभी हमने जो ये मार्किंग की है यहाँ से इस तरह से इसकी शेप दे देते हैं और इस साइड में आपकी प्लेट आएगी, तो यहाँ पे आपको शेप देने की जरूरत नहीं है, खाली एक ही साइड से शेप देनी है। तो देखिए यहाँ पे गुलाई दे चुके हैं हम, यहाँ पे जो प्लेट डालनी है इसका सेंटर पार्ट ले लें। तो देखिए 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 3 इंच में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक मार्किंग यहाँ से हम 3 इंच ही लंबी ले रहे हैं। और जो प्लेट लेना है हमको इस तरह से हमने नीचे की तरफ ले लिया है, तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी, ज़्यादा नहीं 1/2 इंच के आसपास। तो ये प्लेट हमारी सेंटर वाली है, एक प्लेट आएगी हमारी साइड फिटिंग की। तो साइड फिटिंग की आप स्ट्रेट ले सकते हैं। तो देखिए ये 4 इंच लेना है और एक प्लेट आएगी हमारी मुड्डे की तरफ से, तो मुड्डे की तरफ इस तरह से क्रॉस में रख लेंगे टेप को और यहाँ से हम 4 इंच ले लेते हैं। तो ये जो डॉट आएंगे हमारी कुछ इस तरह से आएंगे ये 4। तो देखिए ये मार्किंग कर दिया है, जो हम लेने वाले हैं साइज इसका 1/2 इंच लेंगे, तो इस तरह से इसकी प्लेट की। तो देखिए जो तीनों प्लेट है इन तीनों की चौड़ाई रहेगी जो 1/2 इंच लेना है, यहाँ पर खाली आपको 2.5 इंच लेना है।
तो देखिए जो नीचे का बचा हुआ पार्ट है इसमें से मैं बेल्ट कट कर रही हूँ। तो बेल्ट की लंबाई ले रही हूँ मैं 2.5 इंच। जैसे 2.5 इंच की बेल्ट है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो नीचे फिनिशिंग देंगे। और यहाँ पर जब बेल्ट अटैच होगी तो देखिए 3.5 इंच ले लेते हैं और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जो लंबाई ली है मैंने बीच में से ली है, यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि यहाँ तो हमारे हुक पट्टी रहेगी, हुक पट्टी की साइड में हमारा ये सेप आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हुक पट्टी साइड में तो ये 4.5 इंच आ रहा है। जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बेल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ब्लाउज कट किया है यहाँ पे गुलाई आ रही है, तो यहाँ से हम पहले 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और उसकी लंबाई ले लेते हैं जो हमें बेल्ट चाहिए। तो देखिए 9 इंच में ले रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा है तो बाद में जब हम स्टिच करेंगे उसके बाद इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 4 इंच लेना है। तो देखिए मैंने इस साइड से 4 ले लिया है और इस कोने से 5 इंच। और अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए अभी हम इसकी सेप देते हैं जो हमको लंबाई बेल्ट की चाहिए। तो देखिए हमको तैयार में 2.5 इंच चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है बीच में से। और यहाँ से हम अभी इसकी सेप देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से भी ले लेंगे 1/2 इंच के आसपास, इसकी गुलाई फिर अच्छे से सेट हो जाएगी। और देखिए यहाँ से भी इस तरह से हम इसकी सेप दे देंगे, तो इसकी जो सेप आएगी कुछ इस तरह से आएगी। सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसकी सेप आएगी। बचा हुआ कपड़ा है अभी हम स्लिप कट करते हैं, तो मैंने इस तरह से पीस को खोल दिया है और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करे है। मैं एक कैप स्लिप बना रही हूँ, अगर आप लेंथ ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें डबल फोल्ड हो चुका है ये दोनों स्लिप के लिए, और इसकी जो विड्थ ले रहा है 8.5 इंच ले रहा है। यहाँ पर इस तरह से एक मार्किंग कर लेते हैं। अभी आप स्लिप की लंबाई देखेंगे तो ये 4.5 इंच आ रहा है, ये तैयार में 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ पे हमको नीचे 1.5 इंच ही लेना है और यहाँ से सेप दे देंगे। अभी मोहरी का मेजरमेंट लेते हैं, तो जैसे हमारी मोहरी 12 इंच है तो देखिए 6 इंच आएगा और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सेप आएगी। अभी जो एक्स्ट्रा कटिंग देनी है उसको मार्किंग कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा तैयार साइज है यहाँ से 1/2 इंच लेते हैं, ये ओनली फ्रंट पार्ट में ही आएगी गुलाई। तो यहाँ से इस तरह से सेट कर देंगे, सेम डॉट पर कट कर लेते हैं। सेम ड्राफ्ट पर कट कर दिया है। जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हमने कटिंग करने के लिए फ्रंट में, इसको अभी कट नहीं करना है, पहले हम ब्लाउज का स्लिप तैयार कर लेंगे। दोनों स्लिप तैयार हो जाने के बाद फिर आपको इसकी कटिंग देनी है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम नेक के लिए फिनिशिंग देने के लिए पट्टी कट करते हैं। तो कोई भी कपड़ा है टुकड़े उसको आप इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लें और इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे, सेम मार्किंग में कट कर लेते हैं। इसी तरह मैं और भी पट्टियां कट कर लूंगी और देखिए ज्वाइंट करना है इनको इस तरह से क्रॉस में। यहाँ पर स्टिचिंग डाल देंगे, स्टिचिंग डालने के बाद जब सीधा करेंगे तो इस तरह की हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो देखिए जब हम नेक में इसको अटैच करेंगे तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर नेक की फिनिशिंग देंगे। देखिए 1.5 इंच की हम हुक पट्टी बनाएंगे इसमें से और 3 इंच की काज पट्टी। तो देखिए जो हमने ये ड्राफ्ट तैयार किए हैं इन ड्राफ्टों को रखे हुए ब्लाउज पीस कट कर लेते हैं। देखिए मैंने अस्तर रख के ही ब्लाउज भी कट कर लिया है और जो शोल्डर पे 1/2 इंच क्रॉस में मार्किंग करनी है उसका भी कर देते हैं क्योंकि आगे पीछे दोनों पीसों का एक साथ आप कट कर लें। तो देखिए 1/2 इंच शोल्डर की तरफ से लेके नेक की तरफ लेके जाना है और इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ से हमको नहीं लेना, सिर्फ इस साइड में लेना है। इसी तरह मैं आगे के पार्ट में भी कट कर लूंगी। इसकी सिलाई मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, वो वीडियो आप जरूर देख लें। इस सिंपल तरीके से आप बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।